गुलामी के दौर में जब अंग्रेजों का राज था, उस वक्त भारतीयों को एकजुट करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। उद्देश्य ये था कि लोग एक मंच पर जमा होंगे और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए लोगों को प्रबोधन किया जाएगा, आजादी की लड़ाई में सहभागिता के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा और इसीलिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। लेकिन आजादी के बाद जब दौर बदला है, तब सार्वजनिक गणेशोत्सव जो है राजनीतिक वर्चस्व बनाने का जरिया बन गया है। लेकिन नवम्बई का एक गांव आगरोली ऐसा भी है जहां आज भी सार्वजनिक गणेशोत्सव के जरिए सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से इस तरह के प्रयास चल रहे हैं कि सार्वजनिक गणेशोत्सव लोगों में सामाजिक एकजुटता, संस्कार और जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार का माध्यम बना रहे, और इसीलिए हर साल बेलापुर के नजदीक जो आगरोली गांव है वहां पर एक गांव और एक गणपति की जो संकल्पना है उसको बरकरार रखा गया है। यहाँ के ग्रामस्थ सब एक साथ मिलकर एक गांव एक गणपति का आयोजन करते हैं और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूँ यह आगरोली गांव का गणेश मंदिर है जहां पर इस वक्त सार्वजनिक गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ग्रामस्थ हैं, अभी अभी यहाँ पर सामूहिक तौर पर आरती पूजा प्रार्थना हुई है और उसके बाद जो यहाँ पर दर्शन की शुरुआत हुई है। हर साल यहाँ पर इसी तरह से एक गांव एक गणपति की स्थापना होती है। पूरे गांव के लोग, आगरोली गांव के लोग जितने भी ग्रामस्थ हैं सामूहिक तौर पर यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अभी अभी जो हमने आरती में देखा उसके बाद सभी घरों से प्रसाद बनाए गए थे। सभी जितनी भी यहाँ के गृहिणियां जो मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने घरों से लाए हुए प्रसाद को गणपति बप्पा को समर्पित किया, उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस मंदिर की प्रतिकृति। सार्वजनिक मंदिर है जो स्थायी मंदिर है, लेकिन यहीं पर गणेशोत्सव की स्थापना की गई है और यहीं पर जो 10 दिनों का या जितने भी दिनों का ये गणेशोत्सव है यहाँ पर पूजा पाठ होती है। पूरे गांव के लोग पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है, इसलिए कि जब सार्वजनिक गणेशोत्सव राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का माध्यम बन गए तब भी आगरोली गांव सामाजिक एकजुटता का संदेश देते हुए यहाँ पर एक गांव और एक गणपति की जो मिसाल है आज भी कायम रखा, आज भी बरकरार है। ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामस्थ है कई लोगों की उम्र ढलने वाली है, इसके बावजूद भी ये परंपरा चल रही है, नई पीढ़ी से जुड़ गई है, नए बच्चे जो नए दौर के आ रहे हैं वो इस परंपरा को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका जतन करने के लिए उनको आगे प्रेरित किया जा रहा है। मैं दोबारा गणपति बप्पा को दिखाना चाहूंगा और वो जो संदेश है जो दिखाना चाहूंगा, एक गांव एक गणपति, ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के का यहाँ पर संदेश दिया गया है। पूरे ग्रामस्थों ने यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो पारंपरिक जो यहाँ का आज का ये शायद ये जो रंग है हरा रंग है शायद सबने धारण किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ग्रामस्थ हैं और मेरे साथ इस वक्त ये जो अगरोली गांव का एक गांव गणपति जो मंडल है उसके अध्यक्ष हैं बालकृष्ण मात्रे साहब। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, कितने सालों से ये बेलापुर अगरोली गांव में एक गांव एक गणपति की परंपरा चल रही है, इसका मकसद क्या था? से चालू है, सब मिलके सब लोग गांव मिलके सब लोग हम लोग करते हैं। क्या मकसद रहा है, ये किस व्यक्ति ने शुरुआत की थी? कॉमरेड भावसकरम पाटिल जिसने ये किया है।
एक कॉमरेड भाऊसाकराम पाटिल जिसने ये परंपरा चालू की है। 62 साल हो गए, 62 साल से कॉमरेड भाऊसाकराम पाटिल ने ये परंपरा शुरू की थी और आज तक 62 साल में भारत कितना बदल गया है, लेकिन ये परंपरा आज भी जीवित है। हमारे साथ बिल्कुल यंग जनरेशन के संजय भाई पाटिल हैं। पाटिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप नई पीढ़ी के हैं, ये पुरानी परंपरा है एक गांव एक गणपति की, आपके अभी सामने है, अभी आपके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी इस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि अगरोली गांव ये मैसेज दे रहा है कि हमें एकजुट रहना है? जी, इस सार्वजनिक गणेश उत्सव को ब्रिटिश काल की परंपरा है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के टाइम में भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा था और इस बात को लोकमान्य तिलक जी ने बराबर से सही तरीके से उसको जान लिया था। तभी से 1894 में पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव पुणे में स्थापित किया और उसी का धागा पकड़ के हमारे दादाजी कॉमरेड भाऊसाकराम पाटिल ने इस गणेशोत्सव की स्थापना की, एक गांव एक गणपति। तब से लेके आज तक इस परंपरा बिल्कुल खुशी से चल रही। इसमें सिडको ने इस नई मूवी का पूरी तरीके से डेवलप किया, फिर भी अभी यहाँ पे सब टावर संस्कृति आ गई है। इस टावर संस्कृति में भी हम हमारे गांव का जो गांवपन है वो हम लोग बिल्कुल आबादित करके रख रहे हैं और हम लोग पूरी पारंपरिक तरीके से इस गणेश उत्सव को सेलिब्रेट करें। हम किसी से कोई कंपटीशन नहीं करें कि हमारी गणेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हमारे डीजे का डेसिबल कितना होना चाहिए, हम किसी से स्पर्धा नहीं करते। बस हम लोग भजन कीर्तन और जो भी परंपरागत कार्यक्रम है उसी से हम लोग बड़ी खुशी से, जिसका सही अर्थ है सार्वजनिक गणेश उत्सव स्थापन करने का, वो हम लोग बराबर से कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सिडको ने बहुत सारा विकास किया है, शहरीकरण यहाँ पर हो रहा है, इसके बावजूद भी जो अगरोली गांव की जो ग्रामीण परंपरा है उसको आपने बरकरार रखा। पाटिल साहब, इधर आएंगे, यहाँ के जो राजनीतिक शख्सियत हैं रोहिदास पाटिल जी, अभी जो दौर है वो गणेश उत्सव को लेकर एक तरह से राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का दौर हो गया है। एक एक इलाके में देखें तो गलियों में बहुत सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से गणपति गणेश मंडल तमाम स्थापित हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे गए 62 साल से गणेशोत्सव मनाया जाता है। जब गणपति का त्यौहार आता है उस टाइम राजनीतिक जोड़े मंदिर के बाहर रखे, सब लोग एक साथ में रहके, सभी पार्टियों के लोग एक साथ में रहके ये गणेशोत्सव मनाते हैं। आपको मालूम है कि ये जो गणपति की जो स्थापना है एक गाँव एक गणपति, ये गए 1961 में हुई है। यहाँ के जो बुजुर्ग थे, जो सुशिक्षित थे उस टाइम 61 में, कॉमरेड भाऊसाकराम पाटिल, उन्होंने ये स्थापना की है। एक्चुअली देखने को जाएगा तो 1961 से पहले एक छोटा सा गांव था अगरोली और इस गांव में करीबन 15 से 20 घर थे, मकान थे और यहाँ के लोगों का एक खेती है कि उधर निर्वाह का साधन था। जिस वक्त ये गणपति का त्यौहार आता था उस टाइम यहाँ के जो लोग है, ग्रामस्थ है, ये अपना खेती में से निकाला हुआ धान, जो धान है चावल, ये बेचते थे और या तो कर्जा से पैसा लेके ये गणपति उत्सव मनाते थे। उस वक्त हर घर घर में गणपति आता था, लेकिन कई दिन के बाद ये मुश्किल हो गया परवाना क्योंकि हर लोग कर्जबाजारी होने लगे। फिर 61 में यहाँ के जो बुजुर्ग थे कॉमरेड भाऊसाकराम पाटिल, उन्होंने सभी बुजुर्ग लोगों को लिया, यहाँ के गाँव के साथ में लिया, एक बैठक बनाई और बैठक में तय किया और तब से आज तक एक गांव एक गणपति शुरू हुआ है। और अब सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ पे आते हैं, अपना सब डांस रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, भजन रहते हैं, ये सब लोग साथ में आके मनाते हैं और गणेश बापा की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। दोबारा बालकृष्ण मात्रे साहब के पास ही जाना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 62 साल से निरंतर ये चीजें चल रही हैं, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, सब एक साथ आ जाते हैं, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, आप अध्यक्ष हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है सबको, सब मिलके करते हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। संजय भाई, एक चीज बताइए, नई पीढ़ी अक्सर अपने नजरिए से सोचती है, नए दौर के एजुकेशन के हिसाब से सोचती है, इसके बावजूद भी यहाँ पर एक साथ है, आपको क्या लगता है चुनौतियाँ किस तरह की आती है? ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेगी, लेकिन हम लोग उनको बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा एडवांस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो परंपरागत जैसे हमारे दादाजी ने जिसको जैसे बिल्कुल सीधे और सादे तरीके से सेलिब्रेट किया था हम लोग वैसे ही करेंगे, आपको किसी से स्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि मंडल, हर एक मंडल में एक कंपटीशन हो रहा है कि हमारी गणेश मूर्ति की ऊँची वो मंडल से ज़्यादा है, हमारे डीजे का साउंड डेसिबल वो मंडल से ज़्यादा है, ऐसा स्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो परंपरागत है, जो उद्देश्य है सीधे और सीधे तरीका, वही हम लोग करना है और चौथी पीढ़ी भी हम लोग वैसे ही, चौथी पीढ़ी भी वैसे ही कर रही है। मैं थोड़ा सा ये साइड दिखाना चाहूंगा, ये
ये तमाम यहाँ के ग्रामस्थ हैं, ये मौसी मुझे लगता है कि 70-80 साल की उनकी उम्र हो गई है। आपके सामने ये शुरू हुआ होगा, अब इतने सारे लोग पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ बहुत सारे घर घर से मोदक भोजन सब लाता है, बच्चे लोग पहले दिन बहुत अच्छा रहता है। एक गांव एक गणपति हमारा जो 62 साल से चल रहा है, मैं बेटी भी यही गांव की हूँ, ससुराल यही का है, इसलिए एक भी साल यहाँ का मिस नहीं हुआ है। जो जैसे हम लोग अभी चौथी पीढ़ी है, हम लोग जैसे उत्साह से मनाते हैं ये साल गणपति का ये साल, वैसे हमारे बच्चे भी उनमें भी वही मतलब वही उत्साह है, तो आगे भी वो चलता ही रहेगा। इसलिए हम लोग को पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे भी एक गांव एक गणपति आगे चलाते ही रहेंगे। क्या आप घर से क्या प्रसाद बनाकर लाती है? क्या कोई दिन तय होता है कि एक घर से कैसा आएगा दूसरे घर से कैसा आएगा? कभी मोदक लाते हैं, कभी लड्डू और कभी गुलाब जामुन, ऐसे तरह तरह के स्वीट्स लेके आते हैं। और अच्छा, मतलब अलग अलग घरों से कुछ न कुछ प्रसाद लेके आते हैं। आज क्या प्रसाद लाया आपने अपने घर से? हम मोदक लाए हैं। हमने मोदक लाए। क्या नाम है बेटा? स्वरा। अच्छा लगता है गणपति? हाँ। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर चौथी पीढ़ी के लोग हैं, अगर पुराने लोग हैं, तो यहाँ पर नई पीढ़ी के वो बच्चे भी हैं जो इन लोगों के साथ में आए हैं, और वही उत्साह है, वही उमंग है, वही परंपरा को जतन करने की जो कोशिश है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा ये जो जितने भी ग्रामस्थ हैं भाई, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, मैं उनको भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जो इस परंपरा का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ दिन पर भजन कीर्तन जो भी उसका समय सीमा तय की गई है, वो भजन कीर्तन चलता है, सांस्कृतिक जो अनुष्ठान होते हैं उसके जरिए ये पूरे जो गणेशोत्सव का त्यौहार यहाँ पर बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है। ये जो गणेशोत्सव के संस्थापकों में से एक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश पाटिल है। मैं बाबू सकाराम पाटिल, जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने 1961 में गणपति का स्थापना किया, क्योंकि हर घर में उसके पहला सब गणपति लाते थे तो खर्चा होता था, फिर लोन लेते थे लोग, इसके कारण उन्होंने विजन रखा क्या सब गांव वाले को इकट्ठा किया, और ये विजन रखा उन्होंने क्या खर्चा कम होएगा, लोन नहीं होएगा, एक गांव गणपति अपन स्थापन करते हैं। पहला तो थोड़ा ये किया था, लेकिन उन्होंने बहुत पूरा करके सामाजिक काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कितना आज के दौर में चुनौती मानते हैं आप? दौर बदल रहा है, सोच बदल रही है, जमाना बदल रहा है, हर कोई अपने हिसाब से गणपति स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके दादाजी ने ये परंपरा शुरू की, उस परंपरा का आज भी यहाँ जतन? हमारे दादाजी के बाद में, वो जो गुजर करने के बाद, मेरे पिताजी 50 साल तक उन्होंने संभाला, नामदेव पाटिल मेरे पिताजी का नाम है, उन्होंने भी 50 साल तक अध्यक्षपन किया। बाद में फिर थोड़ा एज होने के साथ उन्होंने फिर बोला गाँव वाले को कोई संभालो, तो फिर उसके बाद में बालकृष्ण मात्रे उनके हाथ में कमांड है, तो उनको भी सब गांव वाले पूरा साथ देते, सहयोग करते। मॉडर्न पीढ़ी भी है, लेकिन हम लोग जो आगे वाला पीढ़ी दूसरे को बोलता है कि कैसा एक साथ करेगा अपना उत्सव, तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि साल में कोई किसी को मिलता नहीं, धंधे में कुछ एजुकेशन में इसमें बिजी होते हैं, लेकिन ये 10 दिन में सब साल में सब इकट्ठा मिलते हैं, और बचपन के ताजे पुराने ताजे जो बचपन के दिन है वो ताज़ा करते हैं। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला का भी सपोर्ट रहता है, सब समझो यहाँ का महिला किधर दूसरे गांव में शादी किया है, लेकिन वो भी 10 दिन में इधर आके सब मिलते हैं, फिर संगीत का पारंपरिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करके एंजॉय करके। क्या इस 10 दिनों में क्या आप लोग मैसेज देते हैं, और सामाजिक कार्यक्रम क्या होते हैं सामाजिक उत्थान के लिए, क्या किस तरह के अनुष्ठान यहाँ पे किए जाते हैं? जी, इस साल हमने स्वतंत्र का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसका थीम हम लोगों ने रखा है, और जो भी बच्चों के लिए जो भी भजन है, भजन कीर्तन के हम लोग जो भी कार्यक्रम हम लोग वही करते हैं। इस एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सार्वजनिक गणेश में मेरे दादाजी मेरे बाबा के साथ, जब भी मैं 5-6 साल का था तभी इस मंदिर में मीटिंग के लिए आता था, उस मीटिंग में क्या क्या होता था मैं सुन रहा था, तभी से लेके आज तक, अभी मेरा बेटा भी इस मंदिर में आ रहा है मीटिंग में, हम लोग को मालूम है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप क्या संदेश देना चाहेंगे नवीनभाईकरों को कि जैसे यहाँ पर एक गांव एक गणपति है, वैसे दूसरे इलाकों में इसी तरह से सामाजिक एकजुटता के लिए गणेश उत्सव आयोजित किया? हाँ, सब गांव में अभी जितना जो गांव है ना, ये गांव में सब गांव में ऐसा ही
जन्मति का उत्सव गुलामक है। पंडित साहब, गांव है, उन गांव का अस्तित्व शहरीकरण में खत्म हो रहा है एक तरह से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसा अपना ये अग्रोली गांव है, यहाँ पे जो एक गांव एक गणपति मनाया जाता है, ये त्यौहार जो मनाते हैं बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, और इसका ही जो बोलते हैं ना कि बाकी जो सीबीडी है, बेलापुर है, जो अभी नए नए बिल्डिंग्स हुए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा मनाएंगे एक गांव एक गणपति, सरिका एक सेक्टर एक गणपति, एक सोसाइटी एक गणपति, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें खर्चा भी कम हो जाएगा और अपना मेहनत भी कम जाएगा और सीधा और अच्छे तरीके से ये मना सकते हैं। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा अपना ये अग्रोली गांव का जो एक गांव एक गणपति है, ऐसा ही एक गांव एक गणपति या तो एक सेक्टर एक गणपति आप हर जगह पे मनाइए, ताकि पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और बाकी जो अभी चल रहा है ये अभी आप देख रहे वो माहौल में सब लोग इकट्ठा होके बहुत अच्छे तरफ से रह सकते हैं। आप देखिए, ये वो माहौल है जो प्रेरित करता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, भले ही हम कितने भी शहरीकरण के दौर में जिए, कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन जो गांव का अस्तित्व है वो संस्कृति को जतन करने का अस्तित्व रहा है और अग्रोली गांव उसका प्रतीक है, उसका उदाहरण है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी इस तरह के जो अनुष्ठान है, इस तरह के जो एक गाँव एक गणपति की संकल्पना है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो शहरीकरण के दौर में नए नए इलाके विकसित हो रहे हैं, वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें भी अग्रोली गांव से एक सबक निश्चित तौर पर लेना चाहिए कि अगर हमारे इलाके में गणपति स्थापित होगा तो सिर्फ एक ही होगा और उस पूरे क्षेत्र के लोग उसी एक के सार्वजनिक गणपति के यहाँ आएंगे, उसी पंडाल में आएंगे, एक साथ पूजा अर्चना करेंगे और एकजुटता का संदेश भी देंगे। गणपति बप्पा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।